सर्वेशणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर सभी मुख्य रोगों का कारण फैले हुए कुपित मल हैं, गंदगी है, टॉक्सिन है, वायरस है, बैक्टीरिया है। आयुर्वेद के ही अनुसार शुद्धि देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, यानी कि शरीर की शुद्धि कराकर मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो आइए शरीर की शुद्धि कराइए। किडनी की पहले प्रॉब्लम थी, फिर मेरा बीपी बढ़ता था और मुझे थकान सी महसूस होती थी और मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। जहाँ के ट्रीटमेंट लेने के मुझे बहुत सुधार आया है। अभी भूख वगैरह लग रही है? हाँ जी। और वॉमिटिंग वगैरह कैसे है अभी? अभी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले से थेरेपीज लेने पे अभी आपको अच्छा फील हो रहा है? जी ठीक है। मुझे लिवर की प्रॉब्लम थी और उससे मेरा मैं पहले से ही फैट थी, बट लिवर की प्रॉब्लम के होने के बाद मैं और भी ज़्यादा मेरा वेट इंक्रीज होता जा रहा था और वो रुक नहीं रहा था। और लिवर की ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होने के बाद मेरे बॉडी पे भी बहुत पैचेस हो गए थे, पूरी बॉडी में हुआ था ये। और फिर डॉक्टर सर से ट्रीटमेंट लेने के बाद, पंचकर्मा करने के बाद, मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ और मेरी लिवर की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही गई, बिल्कुल इरेडिकेट हो गई है बॉडी से। और आपने 2.5 महीने में टोटल कितना वजन कम किया है? 25 kgs। ये आपके सामने एक पेशेंट है जिनको सिर्फ 4 दिन हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, आज 5वां दिन है। और आज ही विजन वापिस आया? कल इनको 4th दिन में इनको विजन वापिस आ गया था, जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था, 10 फुट दूर का भी। अभी पिछले 2-3 महीने से मुझे आई साइट की भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीवियर हो गई, मतलब 2 बार मुझे लेज़र भी करवाना पड़ा और मेरी आंखों में भी इंजेक्शन्स लग रहे थे। मतलब जैसे सुबह 6 से लेके 10 बजे तक मुझे सूरज की किरणों की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था, मतलब मुझे 10 फुट भी नज़र नहीं आता था बिल्कुल। हाँ, अंधे वाले बात थी। तो 4 दिन के बाद मैं कॉशियसली नहीं, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है और मैं एकदम से देख पाता था। वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ख़राब थी, मतलब मेरी आँखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया।